आलिया भट्ट के सितारे इन दिनों काफी बुलंदियों पर हैं। उनके पास फिल्मों की अच्छी खासी लिस्ट है और उसी लिस्ट की एक फिल्म है डार्लिंग्स। जी हां, आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स का ट्रेलर सामने आ गया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक एंड यू वॉचिंग द भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस फिल्म की इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने बेहतरीन काम किया है और एक बार फिर से अपने काम से फैंस को इम्प्रेस कर दिया। बड़ी बात यह है कि आलिया भट्ट इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और वो इसी फिल्म से एक प्रोड्यूसर के तौर पर नई पारी की शुरुआत करने वाली हैं। आलिया भट्ट की ये फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि आलिया भट्ट पुलिस स्टेशन में अपने पति हमजा के मिसिंग कंप्लेन करने अपनी माँ के साथ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर दोनों कंफ्यूज हो जाती है। कल और परसों के बीच मिसिंग कंप्लेंट की बात पुलिस को बताती है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पति को अपने घर के अंदर एक कमरे में कैद रखती है। इस फिल्म का ट्रेलर देखने पर ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा भी इसमें उठाया जा सकता है, क्योंकि एक डायलॉग में आलिया भट्ट कहती हुई नजर आती है कि जैसे इसने मेरे साथ किया वही मैं इसके साथ भी करूंगी। वो अभिनेता विजय वर्मा को एक कमरे में कैद रखती है और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। हालांकि पुलिस के सामने आने के बाद शेफाली और आलिया अपने ही परिवार के एक लड़के पर आरोप लगाती है कि कहीं तूने ही तो किडनैप नहीं किया, अगर ऐसा कुछ है तो बता दे। वो लड़का बीच में बोलता है, उससे पहले ही आलिया और शेफाली बीच में उसको टोक देती है और यहीं पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। टिल देन दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।